दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक शुरू। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। कैश कांड के आरोपी विधायक राजेश कच्छप भी ईडी के समक्ष नहीं हुए हाजिर। रांची से बाहर होने का हवाला देते हुए मांगा 2 सप्ताह का समय। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भेजा गया चेन्नई। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। और अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 16 स्वर्ण सहित 31 पदकों पर जमाया कब्जा। 4 वर्षीय आर्यमन जैन ने जीता 2 स्वर्ण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसमें श्री नड्डा का पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाए जाने की भी संभावना है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली के पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो किया। इस रोड शो में आए लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर प्रधानमंत्री चलती गाड़ी से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व ये दृश्य हो जाते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों के द्वारा किया जा रहा है और लोगों की भीड़, भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग कैमरे से फोटो ले रहे हैं, रील्स भी शायद बना रहे हैं। काफ़ी भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है, तो बेहद उत्साह यहाँ पर दिखाई दे सकता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी और जो आम लोग वहां पर मौजूद हैं, बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो बीजेपी की कार्यकारिणी के दौरान, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री और लोगों की खुशी जो है वो बेहद दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री भी उसी खुशी से, अपनी मुस्कुराहट से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो भीड़ है व्यापक प्रबंध किए गए हैं जिससे कि भीड़ नियंत्रित रहे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मुलाकात की। इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री ने श्री सोरेन को झारखंड में पर्यटन के विकास में सहयोग करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने श्री सोरेन को केरल में छुट्टियां बिताने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पूर्व रांची में आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी रचनात्मक कला का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को G20 की मेजबानी का मौका मिला है। इस बड़ी उपलब्धि को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। इस सिलसिले में आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप भाजपा महिला मोर्चा ने G20 के लोगों का रंगोली बनाकर अपने उत्साह को दर्शाने का प्रयास किया। मोर्चा की ओर से कल और आज घरों के बाहर, मंदिरों, पार्कों और बाजारों में G20 के लोगों की रंगोली बनाने का काम किया गया। वैसे देश इसके संगठन के सदस्य हैं जो कि अपने आर्थिक विकास के लिए इच्छुक हैं, आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण जो अभी जो सिचुएशन आ रहा है या कोरोना जैसी महामारी आ रही है, तो ऐसे सारी सिचुएशन में
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा में जिला 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शत प्रतिशत योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यालय से निकलकर आम लोगों के बीच जाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश भी दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योजनाओं को शत प्रतिशत धरातल पर उतारने के लिए कृत संकल्प है। चेयरमैन भाग चेयरमैन नगर परिषद के चेयरमैन भाग चेयरमैन वार्ड पार्षदगण त्रिसूत्री के उपाध्यक्ष प्रखंड के त्रिसूत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब सदस्यगण सभी लोग हम लोग बुलाया था कि 2023 नया साल है, नए माहौल नए उत्साह के साथ हम लोग काम करेंगे। कैश कांड के आरोपी विधायक राजेश कच्छप आज पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। रांची से बाहर होने का हवाला देते हुए उन्होंने ईडी से अपने अधिवक्ता के माध्यम से 2 सप्ताह का समय मांगा है। गौरतलब है कि ईडी ने श्री कच्छप को आज कैश कांड मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले विधायक इरफान अंसारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने भी ईडी से 2 सप्ताह का समय लिया है। जदयू के प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी आज रांची पहुंचे। हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में संगठन को मजबूत बनाने के लिए वे 2 दिनों तक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करेंगे। पहली बार विधानसभा आए थे तो बिहार और झारखंड दोनों एक था और मंत्री बनाए गए थे तो बिहार और झारखंड दोनों एक था, इसीलिए हम तो समझते हैं कि बिहार और झारखंड दोनों का एक भाई बहन का रिश्ता है अपना। और भाकपा माले के अग्रणी नेता रहे महेंद्र सिंह की आज शहादत दिवस है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि कॉमरेड महेंद्र सिंह ने हमेशा दलितों वंचितों और असहाय लोगों की आवाज को बुलंद किया है। शोषितों वंचितों के आदिवासियों का जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले जितने भी समुदाय हैं सबका एक जननायक थे और उनकी जो कारपोरेटी राजनीति के खिलाफ उनकी राजनीति थी और सामाजिक न्याय की उनकी जो लड़ाई थी और समाज में जो लूट का जो व्यवस्था है उस सिस्टम के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। दूरदर्शन केंद्र रांची परिसर में आज अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली। इस दौरान केंद्र प्रमुख आरके राव ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में देश भर में छात्र सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश मंत्री सोमनाथ भगत और मीडिया प्रभारी दुर्गेश यादव ने बताया कि झारखंड में 18 जनवरी से छात्रों का जिला सम्मेलन शुरू होगा। आगामी 20 जनवरी को रांची में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से छात्र छात्राओं को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अभी भी जिला सम्मेलन करना है, 2400 जिला में हमारा जिला सम्मेलन होगा और ये जिला सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर पर है। पूरे भारतवर्ष में हम 75 वर्ष के नियमित हम पूरे सभी देश के जिलों में लगभग 700 जिलों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश में ये जिला सम्मेलन कर रही है। तो इस नियमित हम झारखंड प्रदेश में 2400 जिला में हम
जिला सम्मेलन के माध्यम से छात्रों के साथ सार्थक संवाद के साथ हम जुड़ेंगे। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान का आज 2 साल पूरा हो गया। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने देश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हुए इस अवधि में 220 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से आज चेन्नई भेजा गया। 2 दिन पहले तबियत खराब होने पर उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबियत में सुधार नहीं होने पर वहां के चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें चेन्नई भेजा गया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि श्री सोरेन डायबिटीज के मरीज हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उन्होंने कोविड होने से इनकार किया। और वो पहले से डायबिटिक पेशेंट थे, बट सडन और शार्प शुगर लेवल फॉल हो रहा है, ये थोड़ा सा कंसीडरेशन का मैटर था। तो डॉक्टर के साथ बात हो गई है, उनका आज हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड भी किया, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, कोरोना पॉजिटिव। विद्यालय प्रशासन की मनमानी से परेशान खूंटपानी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राएं 17 किलोमीटर पैदल चलकर उपायुक्त से मिलने चायबासा पहुंच गईं। छात्राओं के इस कदम से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हर सुविधा होते हुए भी हम लोगों को सुविधा नहीं दिया जा रहा है, हर चीज़ में हम लोग का स्कूल तो मतलब सरकारी है ना, तो हर चीज़ मिलता है, हर चीज़ का ये है, तो फिर हर चीज़ में हम लोग का फाइन दिया जाता है, हर महीना स्वच्छता के नाम पर 5-5 रुपया फाइन, फिर नाली उली सब कुछ भी अगर जाम होता है तो उसका भी फाइन दिया जाता है सबको। पूर्वी सिंहभूम जिला परिवहन विभाग द्वारा आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नुक्कड़ नाटक सहित अन्य माध्यमों से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और नशे और नींद की हालत में गाड़ी कभी ना चलाएं। हो रही है साल में, 1 साल में 4 लाख दुर्घटनाएं, तो इन दुर्घटनाओं को कैसे कमी लाया जा सके और कैसे जो है दुर्घटनाओं में हो रही फेटल्स को, मौतों को कम किया जा सके, उस पे हम लोग जो है अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पलामू पुलिस ने भी शहर थाना क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। स्थायीकरण की मांग को लेकर झारखंड राज्य अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मियों ने आज रांची में प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य भर से आए पारा चिकित्सा कर्मियों ने मोरहबादी मैदान से विरोध मार्च निकालकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास जाने से रोक दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने मोरहबादी मैदान में ही प्रदर्शन किया। के जितने भी कर्मी हैं उनको नियमित कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग 16 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। जब यहाँ तक कि जब कोविड आया सब अपने घर में बैठे हुए थे आराम से, हम ही लोग जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मी ही हैं जो इतना दिन रात काम किए, अपना जान में जोखिम में डाल के, हमारे कई डॉक्टर इसमें डेथ कर गए, कितनी सिस्टर डेथ कर गई। हजारीबाग में आज जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त नैंसी सहाय ने
अधिकारियों को खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी। दत्तोपंत ठेंगरी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन के सभागार में आज से 10 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। इसको बोलते हैं मेंटर मेंटरिंग, प्रशिक्षक को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना। ये हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है, जो भारत सरकार के ऑफिसर पदाधिकारीगण इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। नया इंडस्ट्रियल लॉ जो बना है, श्रम कानून में तब्दीलियां आ रही है, तो ये क्या इलेक्टेड यूसीएम है, फिर ये जा रहे हैं। इनको हम लोग 16 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में बताने वाले हैं कि किस तरह से आने वाले समय में अपने आप को एक ट्रेड यूनियन लीडर को तैयार करना चाहिए, जिससे भारत। जमशेदपुर के कांग्रेस नेता शब्बीर अहमद पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों को एसएसपी कार्यालय से जेल भेजे जाने के दौरान परिजनों ने हंगामा किया। रांची के कांकेर रोड निवासी अवध पोद्दार के खाते से 2.5 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में पुलिस ने साइबर अपराधी असम के अनिल मंडल को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोबाइल, 2 सिम सहित कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में बीती रात चोरों ने 2 रेलवे क्वार्टरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें लाखों के गहने और नकदी चोरी होने की बात सामने आई है। यह चोरी अकाउंट्स कॉलोनी के सुखदेव मुखी और गौरी मुंडा के घरों में हुई है। इन दोनों परिवारों के लोग मकर संक्रांति मनाने अपने गांव गए हुए थे। चक्रधरपुर थाना पुलिस ने स्वयं मामला दर्ज कर इसकी छानबीन शुरू कर दी है। सीसीएल के पिपरवार कोल परियोजना के विस्थापितों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कोलियरी बंद करने की कार्रवाई आज शुरू कर दी है। विस्थापितों ने आज सुबह सड़क पर उतरकर सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और कामकाज बंद कराया। इस आंदोलन के कारण इस कोलियरी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन, ढुलाई और डिस्पैच का काम ठप हो गया है। मांगों में हम लोग का सबसे प्रबंध मांग है कि यहाँ के रोजगार के सवाल पर, रोजगार में रोड सेल में कोयला आवंटन का सवाल है, 75% खनन क्षेत्र में बहाली का सवाल है, 1 करोड़ तक का ठीका काम का सवाल है। कोलकाता के एनकेडीए कम्युनिटी सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 16 स्वर्ण सहित 31 पदकों पर अपना कब्जा जमाया। झारखंड के 4 वर्षीय आर्यमन जैन ने अपने दोनों स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ाया। वहीं पुरुष वर्ग में झारखंड के राकेश तिर्की ने अपने दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-1178-00 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने रांची में युवा एकता मंच के 11वीं स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंदों के बीच कंबल एवं व्हील चेयर का वितरण किया। उन्होंने कंबल एवं व्हील चेयर वितरण के लिए आयोजकों को बधाई दी। उधर रांची के विधायक सपूर मंत्री सीपी सिंह ने भाजपा के अपर बाजार मंडल द्वारा बाजार टाण में आयोजित कार्यक्रम में गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की इस पहल की सराहना की। पलामू पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र से जब्त अज्ञात नरकंकाल का उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से नरकंकाल के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है।
देवघर थाना क्षेत्र के सिंघवा में पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस पदाधिकारियों ने जनसभा में आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, साथ ही सलाह दी कि किस तरह उन्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। गुमला पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान गांधीवादी तरीके से वाहन चालकों को गुलाब फूल देकर यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। पुलिस के इस पहल की लोगों ने सराहना की है। लोगों ने कहा कि असुरक्षित तरीके से वाहन चलाने के कारण आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगेगा। क्रिसमस के दौरान छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ जिलों में असामाजिक तत्वों द्वारा धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर ईसाई भाई बहनों के साथ की गई मारपीट के विरोध में रांची में महारैली निकाली गई। बाद में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने संबोधित किया। खूंटी जिले के अड़की थाना के बीरबांकी पंचायत में पुलिस द्वारा ग्रामीणों को अफीम की अवैध खेती, मानव तस्करी तथा डायन बिसाही को लेकर जागरूक किया गया। पुलिस के जवानों ने बताया कि ये तीनों कार्य गैर कानूनी है, जिसके लिए कानून में सजा के प्रावधान किए गए हैं। आजसू पार्टी के प्रमुख सह विधायक सुदेश कुमार महतो ने सिल्ली प्रखंड के बिसरिया पंचायत के असुरकोड़ा ग्राम में आयोजित पंचायत स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन पर विजेता टीम और खिलाड़ियों को मोमेंटो एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन भी किया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला के एक विज्ञापन में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किए जाने पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति को उनके अधिकारों से वंचित करने के प्रयास को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चक्रधरपुर में एक बार फिर चोरी की वारदात बढ़ गई है। कल रात चोरों ने दो रेलवे क्वार्टरों में चोरी कर लाखों के माल साफ कर दिए। दोनों परिवार के लोग मकर संक्रांति मनाने गांव गए हुए थे। चक्रधरपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह के देवरी थाना इलाके के महादेव पहाड़ी स्थित शिव मंदिर के समीप पेड़ से लटका एक युवक का शव बरामद किया गया। आज सुबह जब लोग पूजा अर्चना के लिए मंदिर गए, तब शव पर नजर पड़ी। शव 27 वर्षीय रंजीत गिरी का बताया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। बैंक ऑफ इंडिया और आर सेट्टी के संयुक्त प्रयास से खूंटी में बेरोजगार महिलाओं को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खूंटी के बिरहू स्थित स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें मशरूम उत्पादन की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। इस दौरान प्रशिक्षक ने 30 महिलाओं को ऑयस्टर और बटन मशरूम के उत्पादन का तरीका बताया। साथ ही यह भी बताया कि मशरूम उगाने का सही समय जनवरी फरवरी होता है। के लिए यहाँ आए हैं और सभी को यहाँ एकजुट होकर हम लोग पुआल का कटिंग किए। पुआल का कटिंग करने से 2 से 4 इंच कटिंग किए। उसके बाद में एक ड्राम लाए, ड्राम में पानी भरे 200 लीटर और उसमें फॉरबर्निंग और बेस्टिंग डाल के घोल दिए। घोलने के बाद में क्या बोलते हैं पुआल को 12 से 14 घंटा के लिए फूलने के लिए छोड़ दिए। इसमें फिर चार तह करके भरे, इसे एक तह ऐसा भरे, फिर इसमें बीज डालते गए, फिर एक तह भरते करते चार तह किए। चार तह करने के बाद फिर इसको पैकिंग बंद कर दिए। और कितने दिन में ये निकल आएगा? ये तो 15 दिन के बाद में हम लोग बाद में इसको टांगेंगे, इसको 30 दिन में पूरा निकल जाए। प्रशिक्षक से जानकारी हासिल करके प्रशिक्षु महिलाओं ने एक एक पैकेट मशरूम उगाने का पैकेट भी तैयार किया। उन्होंने कहा कि आवासीय प्रशिक्षण से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है तथा वे मशरूम उत्पादन के तौर तरीकों से अवगत हो रही हैं। उसको 18 घंटा रहने दिए, फिर उसके बाद में पुआल को निकाले, फिर तिरपाल में सुखाए। नमी का जांच करने के लिए एक मुट्ठी मिली और नमी का जांच किए तो उसमें पुआल को लेके किए तो उसमें पानी का बूंद नहीं गिरना चाहिए, तब हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें पुआल का स्पाइनिंग के लिए अब तैयार हो गया है। प्रशिक्षण के बाद इच्छुक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक ऑफ इंडिया से लोन भी स्वीकृत कराया जाएगा। बैंक से लोन लेकर ये महिलाएं मशरूम उत्पादन के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगी।
और 10 दिन का ट्रेनिंग के समापन के बाद इन लोगों को हम लोग बैंक से जोड़ेंगे भी, ऋण भी दिलवाने का हम लोग काम करेंगे और जो लोग इच्छुक हैं बैंक से ऋण लेने के लिए वो बैंक से ऋण प्राप्त करके अपने स्वरोजगार के लिए अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता काफी अहम है, ऐसे में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाना आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकता है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। ठंड में मछली पालकों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मछलियों को बढ़ते ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए मत्स्य पालकों को भी सचेत रहने की जरूरत है। मत्स्य अनुसंधान के सहायक निदेशक नवराजन तिर्की ने बताया कि रांची समेत राज्यभर में ठंड बढ़ने से इसका असर मनुष्य के साथ मछलियों पर भी देखा जाता है। माना जाता है कि मछलियों के उचित ग्रोथ के लिए एक समान टेम्परेचर होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन ठंड के दिनों में जलाशय, बायोफ्लॉक या फिर केज में पाली जाने वाली मछलियों को भी अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ता है। तो मतलब एक उनका एक ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वो हमें उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, लेकिन ठंड में ऐसे ही वातावरण का तापमान कम हो जाता है तो इसमें वो लोग मछलियाँ थोड़ा स्ट्रेस में रहती हैं, उनका खाना भी कम हो जाता है, मछलियों चारा लेना कम कर देती हैं और जो भी मान लीजिए आपका सदाबहार तालाब है तो उसमें बीमारी की संभावनाएँ थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा उसका समय समय पर चूना का उपयोग और भी जो सैनिटाइज़र वगैरह है ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके, मछलियों में बीमारियों उसमें रखने से बीमारियों फैलने से रोका जा सके, इसके लिए हम लोग सैनिटाइज़र वगैरह वो सब उसको तालाब में नियमित रूप से मतलब उपयोग करने की सलाह देते हैं। श्री तिर्की ने बताया कि विभाग की ओर से किसानों को मोती की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मोती की खेती किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है, मत्स्य विभाग इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। तो मोती पालन एक नया अभी चलन स्टार्ट हुआ है, उसका टेक्निक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग प्रायोगिक तौर पे भी इसका हम लोग पालन कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इसको हम लोग आने समय हम लोग विभाग की ओर से ये जो इसका जो योजना के तौर पे हम लोग अन्य जिलों में भी लागू कर सकें। हाल के वर्षों में सरकार से प्रोत्साहन मिलने के बाद राज्य में मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, अब विभाग अन्य क्षेत्रों में भी हाथ आजमाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहा है, जो एक सार्थक कदम है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। राज्य में 18 जनवरी से ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है, जिससे कपकपी बढ़ेगी। 28.1 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस खूंटी में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो 16 और 17 ये दो दिन आपको सुबह कोहरा धुंध के बाद मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। और अब एक नज़र डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.5 और न्यूनतम 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25.1 और न्यूनतम 14.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू, बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। कैश कांड के आरोपी विधायक राजेश कच्छप भी ईडी के समक्ष नहीं हुए हाजिर,